बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर्स काफ़ी हद तक हम पढ़ चुके हैं। अब तक आपने इस चैप्टर में देखा कि स्केलर और वेक्टर्स दो फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप होती है। स्केलर्स में डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर में डायरेक्शन होती है। फिर हमने वेक्टर्स के मुतालिक देखा जी कि वेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जी। दो तरीके होते हैं, एक सिंबॉलिक मेथड होता है और एक ग्राफिकल मेथड होता है। उसके बाद हमने मुख्तलिफ वेक्टर्स की टाइप देखी थी, फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, और उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। फिर हमने वेक्टर की एडिशन देखी। एडिशन ऑफ वेक्टर एक लेंथी टॉपिक होता है, उसमें हमने चार मेथड्स देखे, हेड टू टेल रूल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, एनालिटिकल डिटरमिनेशन एंड रेक्टेंगुलर मेथड। ये चार मेथड्स को हमने स्टडी किया। उसके बाद कल की क्लास में हमने देखा कि वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और वेक्टर को डिवाइड कैसे किया जाता है। वेक्टर के डिवीजन जो है, हमने खाली एक वेक्टर को नंबर के साथ डिवाइड करना सीखा है। वेक्टर वेक्टर से कैसे डिवाइड होता है ये हमने नहीं पढ़ा, वो हमारा कोर्स में नहीं है। इसी तरीके से वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन जो थी, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन दो तरह की होती है। मल्टीप्लीकेशन जो है वेक्टर की, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, ये हमारे पास दो तरह की होती है जी। एक होती है जी अगर आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करें वेक्टर से। एक ये होता है जी कि अगर आपके पास एक सिंगल वेक्टर है और आप उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इसको आप कहते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और दूसरी क्या होती है जिसमें हम एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो दैट टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन, अस्सलाम, दैट टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये कहलाएगी वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी इस पर हमारी बात हुई थी कि वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन हमारे पास दो टाइप की होती है। एक कहलाती है स्केलर मल्टीप्लीकेशन और एक कहलाती है वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, अगर आप एक नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, ये हमने कल देख लिया था। आपके पास नंबर है, उसको अगर आपने वेक्टर से मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट हासिल करना है तो आप क्या करते हैं जी, नंबर को वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उतनी बड़ी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वो आपके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ओरिजिनल वेक्टर जैसा होगा। अगर नंबर नेगेटिव है तो आपका जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो ओरिजिनल वेक्टर से अपोजिट हो जाएगा। ये हमने देख ली थी कल। आज की क्लास में हमें वेक्टर मल्टीप्लीकेशन देखनी है, यानी वेक्टर को वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। इसमें फिर हमारे पास फर्दर दो टाइप्स होती है। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास दो टाइप होती है। एक कहलाता है डॉट प्रोडक्ट, इसको आप स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। एक कहलाता है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, इसको आप डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है, इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये दो टाइप का होगा वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। अगर आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, यू हैव टू पॉसिबिलिटीज, नंबर 1 इज द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एंड द नंबर 2 इज वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन की, विच इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, या इसको आप डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको आप डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये क्या होता है जी, बहुत ही सिंपल है, ये इजी टू अंडरस्टैंड है। क्या होता है जी कि अगर आप एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें एक वेक्टर से, तो अगर अब ये स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर आप एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर जो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है वो एक स्केलर आ जाए, यानी वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई होने पर आपका स्केलर बनता है, उसको आप स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसको निशानी के तौर पर हम क्या करते हैं जी कि फिर इनके दोनों वैक्टर्स के दरमियान मल्टीप्लाई के साइन को रिप्लेस कर देते हैं डॉट से, ताकि देखने वाले को समझ में आ जाए कि ये वेक्टर और वेक्टर के दरमियान ये डॉट प्रोडक्ट है, यानी इसका मतलब है जो आंसर बनेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो चूंकि हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इसलिए आप इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हो।
तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें एंड द आंसर इज एन स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स आर कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। याद रखिएगा ये डॉट रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो रखा है इसको डॉट ही लिखोगे, अगर आप क्रॉस डाल दोगे मल्टीप्लाई का साइन डाल दोगे तो ये दूसरी चीज हो जाएगी, दूसरी टाइप हो जाएगी वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करें स्केलर जनरेट हो रहा है तो इसको आप कहोगे कि ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप डॉट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आपने चैप्टर इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटी आई थी, एक आया था आपके पास वर्क जिसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है जी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अगर आप देखें गौर से तो फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरीके से ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर जनरेट हो रहा है। अगर आप वेक्टर टर्म्स में देखें तो फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो वर्क बनता है ना वो स्केलर था, आपको याद है मैंने बताया था वर्क इज एन स्केलर क्वांटिटी। तो हम कहेंगे कि ये जो वर्क है ना ये डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें आपके पास दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और स्केलर बन रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है। इसलिए आपने वर्क के फॉर्मूले में एफ डॉट डी लिखा और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई नहीं लिखोगे, डॉट का निशान डालोगे क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। इसी तरीके से जो पावर होती है वो भी एक डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, क्योंकि पावर का आपने एक फॉर्मूला तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम था और एक फॉर्मूला ये हमने ड्राइव किया था फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब इधर भी यही मामला है जी, फोर्स एक वेक्टर होता है, वेलोसिटी वो भी एक वेक्टर होता है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको हासिल होती है पावर जो कि एक स्केलर होता है। लिहाजा पावर भी आप क्या कहोगे कि ये वर्क भी एक डॉट प्रोडक्ट है और पावर भी एक डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि इनमें दोनों में वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और स्केलर जनरेट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये दोनों डॉट प्रोडक्ट हो गए या स्केलर प्रोडक्ट हो गए। तो ये एग्जांपल्स हो गई, इनमें हम इसलिए डॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो आपके पास स्केलर आ रहा होता है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। सपोज करें आपके पास एक वैक्टर है ए और एक वैक्टर है बी, आपने ये डॉट लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। अब आप जानते हैं, आपने इतना देख लिया कि अगर दो वेक्टर्स हैं आपके पास एक ए और एक बी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में डॉट लगा हुआ है, तो ये स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब स्केलर प्रोडक्ट पे आपके आपका जो क्वांटिटी हासिल होती है वो एक स्केलर होती है, लिहाजा स्केलर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको मिलेगा इस फॉर्मूले से ए बी कॉस थीटा, और ये स्केलर होती है, डायरेक्शन इसमें नहीं होती, लिहाजा सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लिहाजा आपने ये मैग्नीट्यूड का इसका फॉर्मूला होता है। तो जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो और उनका जो मल्टीपल है वो स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो फिर जो आपका आंसर आ रहा होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी में खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। और मैग्नीट्यूड आप कैसे हासिल करोगे, ए बी कॉस थीटा, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान जो एंगल है उसका कॉस, तीनों को मल्टीप्लाई करें, डायरेक्शन आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये स्केलर बन रहा है जी। याद रखिएगा ये वेक्टर है और ये जो आपको हासिल हो रहा है ना ये स्केलर है, स्केलर प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो स्केलर प्रोडक्ट में फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक वेक्टर को डॉट लगा के दूसरे वेक्टर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा, इसमें जो आपको क्वांटिटी हासिल होती है वो स्केलर होती है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन का आपको दर्द सर नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होती। तो आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ए और बी के वेक्टर मैग्नीट्यूड को, ये मैग्नीट्यूड है ठीक है, एरो नहीं लगा हुआ, तो ए और बी के मैग्नीट्यूड को आप कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें। अब इस फॉर्मूले में ये जो ए है ये तो पूरा वेक्टर है जी, इट इज फर्स्ट वेक्टर, ये आपके पास पहला वेक्टर है जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, बी जो है वो आपके पास सेकंड वेक्टर है इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब आप इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो ए जो आ रहा है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है जी पहले वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। इसी तरीके से ये जो फॉर्मूले में खाली बी लिखा हुआ है ये क्या है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर, और ये जो थीटा है ये क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान जो एंगल है ये वो है। तो आपके पास फॉर्मूले में क्या क्या आ गया, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकेंड वेक्टर है, ये ए और बी फर्स्ट और सेकेंड का मैग्नीट्यूड है, ये इन दोनों के दरमियान एंगल। अब जरा इसको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा देखते हैं जी, हाउ कैन दिस फॉर्मूला जनरेट
डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर क्यों होता है, इसको देखते हैं जी। तो लेट सपोज के ये दो वेक्टर जो आपके पास ये आ गए जी, ये आपके पास ए वेक्टर आ गया, ए वेक्टर, ठीक है जी, ये डायरेक्शन समेत दिया हुआ पूरा वेक्टर बनाया हुआ मैंने। ये आपके पास बी वेक्टर हो गया जी, लेट सपोज जी के ये बी वेक्टर हो गया और ये इनके दरमियान एंगल आ गया थीटा। अब जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको नजर आ रहा है कि जी ये ए और बी अलग अलग डायरेक्शंस में मौजूद है, ए की डायरेक्शन जी, बी की डायरेक्शन जी, तो दोनों अलग अलग सिंथ में अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं एक्शन। अब अगर आप बी के कंपोनेंट्स बना ले जरा यहाँ पर, बी वेक्टर जो है इसके आप कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे तो आपको दो कंपोनेंट्स इसके मिलते हैं जी। एक हो गया इसका ये वाला कंपोनेंट, इसको आप वर्टिकल कंपोनेंट कहते हो। अगर आप बी के कंपोनेंट्स बना लो तो एक ये कंपोनेंट हो गया और एक आपको यहाँ इस डायरेक्शन में मिलेगा कंपोनेंट, ये मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ ये, इसको आप कहोगे ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो बी वाई लिख देते हैं, और ये जो मैंने नीचे बनाया हुआ है ये है क्या, बी कॉस थीटा, इसको आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हो, यानी कि बी एक्स। तो हमने क्या किया समझने के लिए कि बी और ए का एक दूसरे के साथ जो इम्पैक्ट है वो क्या है, हमें साफ नजर आ रहा है ए और बी अलग अलग डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं, ए इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, बी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए हमने क्या करा, बी के कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए। आपने बी को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया तो जो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया ये वाला, ये होता है कितना मैग्नीट्यूड इसका कितना होता है बी साइन थीटा, और ये जो हो गया ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बी कॉस थीटा। अब आपको साफ नजर आ रहा होगा कंपोनेंट में कि ए की डायरेक्शन में खाली ये कंपोनेंट पाया जा रहा है, यानी ए की डायरेक्शन में बी का खाली इस कंपोनेंट का इम्पैक्ट है, ये तो जाया हो रहा है, ये वाला जो है ये कोई इफेक्ट नहीं दे रहा है, तो जाया हो रहा है। अगर आप इस एग्जांपल को फोर्स और मोशन पे ले आए तो ये आपकी बी, लेट सपोज के बी जो है वो फोर्स है बी, अब मैं यहाँ पे मिटा के एग्जाम्पल वाले टर्म्स यूज कर लेता हूँ फोर्स और वर्क वाला, तो ये हो गया जी फोर्स, ये भी एफ, ये भी F, और यहाँ पर ये F है जी, और ये जो है वो आपका डिस्प्लेस। अब अगर हम इसको एग्जांपल से लें तो वर्क हम जानते हैं जी, वर्क एक डॉट प्रोडक्ट है, वर्क में दो चीज़ें होती हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है। फोर्स का इम्पैक्ट देखने के लिए हमने क्या करा, फोर्स के दो कंपोनेंट्स बना लिए, ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब चूंकि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसका मतलब है फोर्स का खाली ये कंपोनेंट काम कर रहा है, ये कंपोनेंट तो जाया हो रहा है, ये तो किसी और डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा है बॉडी को, और इस डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रही है बॉडी। तो एक्चुअल में हमारे पास जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि फोर्स का कुछ हिस्सा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में काम कर रहा है, कुछ हिस्सा जाया हो रहा है। लिहाजा जो आपका काम कर रहा है ना, सिर्फ उसी हिस्से को अगर आप ले लो तो एफ और डी का डॉट प्रोडक्ट क्या बनता है जी, एक आपका ये डी का मैग्नीट्यूड और एक आपका ये F cos थीटा। आपने इसको हटा दिया क्यों, क्योंकि ये तो जाया हो रहा है, ये तो किसी और डायरेक्शन में बॉडी को लेके जाना चाह रहा है, उस डायरेक्शन में तो बॉडी जा भी नहीं रही है। तो इस तरीके से आपके फॉर्मूले में cos थीटा इन्वॉल्व हो जाता है, ये आप देख लो ना cos थीटा, क्योंकि A और B में B वेक्टर जो है इसके दो कंपोनेंट्स आप बना लो, एक होगा sin थीटा एक होगा cos थीटा, sin थीटा जाया हो रहा होता है, cos थीटा इन्वॉल्व होता है, लिहाजा इसलिए आपने खाली B का cos थीटा डाल दिया, sin थीटा इन्वॉल्व ही नहीं है तो उसको आपने हटा दिया, ठीक है। तो यू आपके पास cos थीटा आ रहा होता है इस फॉर्मूले के अंदर। तो अब तक हमने क्या देखा जी के इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पे करेक्टर्स लिखेंगे अब हम। तो हमने क्या देखा, अभी हम पहले वेक्टर प्रोडक्ट का जो पहला टाइप होता है ना उसको स्टडी कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो, स्केलर जनरेट हो तो इसको आप कहते हो स्केलर प्रोडक्ट, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो डॉट से, इसी वजह से आप इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हो। वर्क और पावर इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसमें जब आपके पास दो वेक्टर्स को जब आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे होते हैं और आपके पास जो स्केलर आ रहा होता है तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि स्केलर है, और मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, ए बी और कॉस थीटा, ए और बी मैग्नीट्यूड है दोनों वेक्टर्स के और थीटा जो है वो इन दोनों वेक्टर्स का एंगल है इनके दरमियान। रीजन मैंने आपको बता दिया कि आपके पास ए और बी में ये जो बी वेक्टर है या ए ले लें तो ए वेक्टर, दोनों में से एक जो है वो आधा लग रहा होता है आधा जाया होता है। जैसे इसे अभी जो हमने एग्जांपल ली थी उसमें बी जो है आधा इन्वॉल्व हो रहा है जी ए के साथ लगा हुआ है, आधा जाया हो रहा है। कौन सा आधा इन्वॉल्व हो रहा है, कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कौन सा जाया हो रहा है वर्टिकल कंपोनेंट।
तो बी जो है वो आपका ए के साथ इंटरेक्ट करता है, उसका खाली एक ही कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट उसका ज़्यादा साया हो रहा होता है, इसलिए हमने वर्टिकल कंपोनेंट को हटा दिया, खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इन्वॉल्व कर दिया जो कि वो भी इन्वॉल्व करवाइएगा। तो ये क्या है जी, ए मल्टीप्लाई बाय बी का खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ गया, साया हो रहा है, इसलिए आपने स्केलर में खाली इसके मैग्नीट्यूड को डाल दिया, डायरेक्शन नहीं होती। अब हम जरा डॉट प्रोडक्ट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं जी, कुछ खासियतें देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की, करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जी, डॉट प्रोडक्ट कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखिएगा क्योंकि यहाँ इन्वॉल्व हुआ है रेशियो, फार्मूला ध्यान में रख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं फार्मूला, हमारे पास क्या है जी फार्मूला, ए वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट होता है जी बी के साथ तो आपके पास जो स्केलर जनरेट होता है वो कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, कोई डायरेक्शन नहीं है ये स्केलर है। अब इसमें चूंकि कॉस इन्वॉल्व हुआ है विच इज अ रेशियो और थीटा इन्वॉल्व हुआ है विच इज द एंगल, तो हमें डॉट प्रोडक्ट में कुछ मजेदार करेक्टर्स मिलते हैं। पहला करेक्टर क्या है जी कि आपको डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद होती है, कम्यूटेटिव लॉ मौजूद होता है। आपको कल की क्लास में मैंने बताया था कि कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि अगर आप जगह तब्दील कर दें तब भी आपका आंसर इक्वल, तो आपको डॉट प्रोडक्ट में भी ये कम्यूटेटिव लॉ मिलेगा, यानी अगर आपके पास ए डॉट बी है आप इसकी जगह तब्दील कर दें, बी को पहले कर दें और ए को बाद में कर दें तब भी आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तब भी सेम होगा। ये हम प्रूफ करेंगे, हमारे पास टॉपिक आएगा कि कम्यूटेटिव लॉ हमने प्रूफ करना होगा डॉट प्रोडक्ट के अंदर कि ये कम्यूटेटिव लॉ किस तरह ऑब्वे हो रहा है, जैसे कल हमने एडिशन में प्रूफ किया था ना वेक्टर का, वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ, इस तरह हम ये प्रूफ करेंगे। तो हमें वेक्टर में वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें हमें कम्यूटेटिव लॉ मिलता है, यानी कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है, आप वेक्टर्स की जगह को रिप्लेस कर दें एक दूसरे के साथ तो भी आपका आंसर सेम रहेगा, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से हमें एसोसिएटिव लॉ भी मिलेगा इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव लॉ मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन नंबर के साथ। अगर मिसाल के तौर पर हमने देखा है, अब इसको इसकी एग्जांपल लेंगे हम, इसको भी हमने प्रूफ करना होगा, इसका मिसाल के तौर पे आपके पास ये ए वेक्टर है, ये पहले एम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एम एक नंबर है, इसी तरह बी वेक्टर जो है वो एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक नंबर है, और फिर आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, बस फर्क क्या हो रहा है जी, डॉट प्रोडक्ट तो है लेकिन दोनों वैक्टर पहले एम दो नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको एसोसिएटिव लॉ मिलेगा। एसोसिएटिव लॉ में आपने देखा था कि आप किसी की भी तरतीब आगे पीछे कर लें, दो से ज़्यादा नंबर्स अगर हों आपके पास, तीन नंबर दें, चार नंबर दें, पांच नंबर दें, आप उनमें से किसको पहले ऐड करते हैं किसको बाद में ऐड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप एसोसिएटिव लॉ करते हो। या मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा कि अगर हमारे पास तीन चार चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो मैं किन को पहले मल्टीप्लाई करूँ किन को बाद में मल्टीप्लाई करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम होगा, इसको आप कहते हैं एसोसिएटिव। अब यहाँ देखें जी, चार तीन चार मल्टीप्लीकेशन हो रही है, एक m जो है मल्टीप्लाई हो रहा है a वेक्टर के साथ, कहाँ है m मल्टीप्लाई हो रहा है a वेक्टर के साथ, n मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, फिर ये आपस में इनका डॉट प्रोडक्ट निकल रहा है। अगर आप इसमें तरतीब को आगे पीछे कर दें, आप पहले m को n के साथ मल्टीप्लाई कर दें फिर आप a और डॉट कर दें b, तब भी आपका आंसर सेम रहेगा, या आप पहले a डॉट b निकाल लें उसके बाद दूसरी तरफ आप m और n को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तब भी आपका आंसर सही है। तरतीब कुछ भी रख दो आप, अगर आपके पास तरतीब आगे पीछे भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप कहते हो एसोसिएटिव लॉ, और वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपको एसोसिएटिव लॉ भी मिलता है। फिर तीसरा, इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मिलेगा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के साथ मिलेगा, सब्ट्रैक्शन के साथ नहीं मिलता ये, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में तो नहीं होते लॉ, एडिशन के साथ मिलता है जी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपके पास दो वेक्टर्स हैं जी, एक ए है और एक सी है, ये आपस में ऐड हो रहा है और इनका जो आंसर आ रहा है आप उसके साथ ए को डॉट प्रोडक्ट करें, तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्यों कहा हुआ है, क्योंकि यहाँ एडिशन भी इन्वॉल्व हुआ है, देखिए ये एडिशन इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए हम उसको कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हो क्या रहा है जी, अगर दो वेक्टर हैं बी और सी दोनों ऐड हो रहे हैं, उसके बाद जो उसका आंसर बनता है जो एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसको अगर आप ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे एक सर्टेन आंसर बन जाएगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें इस ए को,
आप इस ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दें ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो भी आपका आंसर सेम होगा। ये आप देख रहे हो ए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये मैथमेटिक्स है। आप नॉर्मली देखते हैं कि जैसे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 प्लस 2 से, ठीक है। तो आप क्या करते हो जी, आप बल्कि इसको अलजबरा के टर्म में लें, अलजबरा में आपने ज़्यादा पढ़ा होता है, अक्सर आपने देखा होगा जी ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी, ऐसे अलजबरा में आती है। तो आप क्या करते हो जी, इस ए को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, दोनों को दे देते हो, ए बी के साथ भी आ जाता है और ए सी के साथ भी आ जाता है। यहाँ पे भी हमने यही किया, देखो है ना, ए ये ए जो है मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए बी को भी दे दिया, ये आ गया, ए सी को भी दे दिया, ये आ गया, बीच में प्लस का साइन था लिहाजा प्लस का साइन है, ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। तो आपको वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मिलेगा, यानी अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है जी कि दो वेक्टर ऐड हो रहा है, उसके बाद उसका जो रिजल्ट है उसके साथ आपने डॉट प्रोडक्ट करना है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, आप पहले ए बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, फिर ए सी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, बाद में ऐड कर दें, तब भी आपका आंसर सेम होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो ये भी हम प्रूव करें। तो हमें कल वेक्टर एडिशन के अंदर खाली दो लॉ मिले थे, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, जबकि डॉट प्रोडक्ट में हमें तीन लॉ मिल रहे हैं, कम्यूटेटिव भी, एसोसिएटिव भी और डिस्ट्रीब्यूटिव भी। इनको हम प्रूव करेंगे और ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे कि ये लॉ है क्या, एग्जाम्पल्स नंबर्स के लेकर हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब हम इन तीन प्रॉपर्टीज के बाद मज़ीद अगर हम और कुछ मुनफरिद से रिजल्ट निकालें अगर हम, तो याद रखें एक और बात वो ये है कि ए अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक ए और एक बी, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो आ रहा हो, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा हो, तो तुम्हें तीन पॉसिबिलिटी होंगी जिसकी वजह से ये जीरो आएगा। तीन मामला हो सकते हैं जी। पहला मामला क्या होगा, या तो ए वेक्टर जीरो होगा, दूसरा मामला क्या होगा कि बी वेक्टर जीरो होगा, या फिर तीसरा मामला क्या होगा कि ए और बी के दरमियान जो एंगल है, ए और बी परपेंडिकुलर होंगे, ए एंड बी आर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, तो मैं साइन लिख देता, बड़ा और वर्ड भी लिख रहा हूँ। अगर आप देखते हो ना ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो फिर तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ए जीरो होगा, ए वैक्टर जीरो होगा, नल वैक्टर होगा, या बी वैक्टर जो है वो एक नल वैक्टर होगा, या ए और बी जो है उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, यानी ए और बी परपेंडिकुलर होंगे। लेट्स सी, चेक कर दें। हमने आपसे क्या कहा है कि ए डॉट बी, इसका आंसर आप कैसे निकालते हो, इस फॉर्मूले से, ए बी कॉस थीटा। अब सपोज करो ए जीरो है, ए वेक्टर जो है वो जीरो है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो हो गया, नल वेक्टर है ना, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, तो ये हो गया जी, ये ए की जगह आ गया जीरो, बी कॉस थीटा। अब जीरो से आप सबको मल्टीप्लाई करो, जीरो आ जाता है, ठीक है। तो अगर ए जीरो है तब भी आपका डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, जीरो, यानी अगर आपका दोनों वेक्टर में से एक नल वेक्टर है ना ए, तो भी जीरो, या दूसरा जीरो नल वेक्टर है तो भी जीरो आता है, ये जीरो। अगर आप इसको बी को जीरो कर दो, बी को जीरो कर दो, तब भी वही बात आ जाएगी, ए वेक्टर आपके पास है जो भी उसका मैग्नीट्यूड है, बी आ गया जीरो कॉस थीटा। आप जीरो से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, जीरो होता है। तो इन दो बातों का मतलब क्या हो गया, इन दो बातों का मतलब ये हो गया कि अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो उसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक नल वेक्टर है, या तो ए नल वेक्टर है या बी नल वेक्टर है। तो आपका अगर नल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको हम एक जुमले की सूरत में अगर हम लिखें, ऐसे लिख सकते हो आप के डॉट प्रोडक्ट ऑफ नल वेक्टर इज जीरो। अगर आपके पास एक नल वेक्टर है, भले वो पहला वेक्टर है यानी ए, या भले आपका वो दूसरा वेक्टर है बी, तो अगर आप एक नल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे किसी भी वेक्टर का, आपका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो, ठीक है। तो अगर ए जीरो या बी जीरो, तो आपके पास कहानी क्या हो गई कि जी आपके पास डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी दोनों नल ना हो, तब भी जीरो आ जाए, तब क्या होगा, आपके ए और बी परपेंडिकुलर हो। मिसाल के तौर पे ए डॉट बी, अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें, ए बी कॉस थीटा। अब क्या है जी, ए और बी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऐसी होती है यानी इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, यानी ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनके दरमियान कितना एंगल है जी, 90 का। तो एंगल आ गया आपके पास 90, और कॉस 90 जो है वो जीरो होता है, कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो। अब आप जीरो के साथ ए बी को मल्टीप्लाई करो, तब भी जीरो।
ये नल वेक्टर क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इसके दो कंपोनेंट बनाए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो ये भी आपका वर्टिकल ही है, यानी इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, पूरा का पूरा आपका जो है ना, ये पूरा का पूरा वेक्टर ये आपका साइन थीटा है वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये है ही नहीं, तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा, इसलिए कोई काम ही नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो तीन पॉसिबिलिटी हैं, दो पॉसिबिलिटी हमने ड्राइव करी है जी। अगर हमारे पास दो वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो नल आता है, दो डॉट, दो वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट देख रहे हो जीरो आ रहा है, तो दो मामला होंगे, या तो उन दोनों में से कोई एक नल वेक्टर होगा, या फिर दूसरा काम क्या होगा कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ए और बी जो है वो परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि थीटा जो है वो 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, तो ये एक और प्रॉपर्टी हमने, अरे भाई आ जा, हाँ ये एक और हमने प्रॉपर्टी देखी, ये वाली लाइन बिठा दे तो, क्योंकि मैंने दोनों स्टेटमेंट्स की सूरत में लिख दिया। तो चौथा करेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो उन दो में से कोई एक नल वेक्टर है, या फिर वो दोनों जो है परपेंडिकुलर है, यानी उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। चौथी प्रॉपर्टी हो गई जी, अब आते हैं आगे अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं, ये चौथी है, तो पांचवी की बात करते हैं जी। ए डॉट, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास ए बी आ रखा है, एंगल खत्म हो गया, एंगल कॉस वगैरह वो सब खत्म हो गया, ए बी यानी मैक्सिमम कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम वर्क आ रहा है, या मैक्सिमम पावर आ रही है, या मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट, ये मैक्सिमम होता है। कब होता है जी मैक्सिमम पॉजिटिव? ये कब होगा, ये कब होगा, व्हेन ए एंड बी आर पैरेलल, ए एंड बी आर पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में होती है, और पैरेलल का मतलब होता है थीटा होता है जीरो, यानी अगर ए ऐसे है, ए वेक्टर ऐसे है, तो बी भी ऐसे ही आ रहा है, बी भी ऐसे ही आ रहा है, इनके दरमियान कोई एंगल नहीं होता, थीटा जो है वो जीरो हो जाता है, उस टाइम पे आपको मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट मिलेगा दो वेक्टर्स के दरमियान। अगर एंगल बनेगा ना, तो फिर आपका डॉट प्रोडक्ट कम हो जाएगा, दो वेक्टर्स के दरमियान वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब आपके दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, थीटा जीरो होगा। चेक कर लो आप, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है जी, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा कितना होता है, जब आपके दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो थीटा जीरो हो जाता है, और कॉस जीरो आप निकालो वन होता है, वन आप देखते नहीं है, तो देख लीजिए मैक्सिमम आ रहा है। बाकी अगर आप, अब एंगल कुछ भी जरा सा भी एंगल बनेगा ना, मिसाल के तौर पर 10 भी बनेगा, तो भी ये cos 10 की वैल्यू 1 से लेस होती है, 1 से कम होगी, तो आपका ये जो वैल्यू है ना, ये रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास मिसाल के तौर पे a ऐसे, b भी इसी डायरेक्शन में, b भी इसी डायरेक्शन में, तो अब आपके पास एंगल हो गया 0, उस टाइम पे मैक्सिमम वर्क मिलेगा। सपोज करें अब थोड़ा सा एंगल भी बन गया, 10 डिग्री का भी एंगल बन गया ना, तो अब cos 10 की वैल्यू आप निकालोगे, ये 1 से कम होगी, 0. सपोज करें जी 94, एक से कम है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ए बी से, आपका आपका जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा होगा उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम वर्क। तो मैक्सिमम वर्क आपको, मैक्सिमम वर्क कह रहा हूँ, मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट, तो मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट आपको कब मिलेगा, दो वेक्टर्स के दरमियान अगर डॉट प्रोडक्ट है, मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा खत्म हो जाए, कॉस थीटा खत्म हो जाए, डायरेक्ट आपके पास खाली मैग्नीट्यूड्स हो दोनों वेक्टर के, तब उसको आप कहते हो कि वो मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट है। और ये कब होती है कहानी, जब आपके पास दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, उनके दरमियान एंगल जीरो होता है, उस वक्त आप चेक कर लो फॉर्मूले के अंदर, उस वक्त आपका जो मैक्सिमम वर्क होता है, उस वक्त जो है आपका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। इसी तरीके से आपके पास एक मामला ऐसा भी आ सकता है कि दो वेक्टर्स के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है वो आ तो मैक्सिमम रहा हो, लेकिन माइनस में, नेगेटिव मैक्सिमम कह लो आप इसको, नेगेटिव हो लेकिन मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा आपको डॉट प्रोडक्ट मिल रहा है, वैल्यू ज्यादा है, बट इन नेगेटिव सेंस। ये कब होता है, जब आपकी ए और बी अपोजिट डायरेक्शन होती है, ए एंड बी आर अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी कि अगर ए ऐसे है तो बी जो है वो आपकी ऐसे होगी, अपोजिट डायरेक्शन है, तो अब देखिए इनके दरमियान एंगल जो है वो हो गया 180 डिग्री का, और अगर आप कॉस 180 निकालोगे माइनस वन आता है, वन आप लिखते नहीं है, लेकिन ये माइनस आ गया, ए बी के साथ माइनस आ गया।
आपके पास मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब आपकी ए और बी वेक्टर्स जो है वो दोनों सेम डायरेक्शंस में हो। और नेगेटिव मैक्सिमम कब होगा डॉट प्रोडक्ट? जब आपकी ए और बी अपोजिट डायरेक्शंस में हो। ठीक है, ये अपोजिट और नेगेटिव की बात हो गई। उसके बाद अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग बातों पर जो हमें जरूरत पड़ती है इसकी न्यूमेरिकल्स के हवाले से भी। सातवीं प्रॉपर्टी, आपने यूनिट वेक्टर पढ़े हैं जी, अगर हम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालें, अब जरा यहाँ यूनिट वेक्टर धुरा है, तो मैंने आपको बताया था तीन डायमेंशन होती है। एक ये होती है जी, इसको आप कहते हो एक्स, एक ये होती है जी, इसको आप कहते हो वाई, और एक ये होती है, इसको आप कहते हो जेड। ये तीन डायमेंशन होती हैं आपके पास। इन तीनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी एक्स और वाई के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, वाई और जेड के दरमियान 90 डिग्री का भी एंगल होता है, और जेड और एक्स के दरमियान भी 90 डिग्री का एंगल होता है। ये चौड़ाई हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये चौड़ाई हो गई तो ये लंबाई हो गई, ये उसकी थिकनेस हो गई। ये मैंने आपको काफी डिटेल में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में बताया था, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये थिकनेस। तो तीन डायमेंशन होती है, एक्स वाई जेड, तीनों डायमेंशन के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। फिर हमने हर डायमेंशन का एक एक यूनिट वेक्टर बना रखा है। एक्स का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आप कहते हो आई, वाई का जो यूनिट वेक्टर उसको आप कहते हो जे, और जेड का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आप कहते हो पी। रिमाइंड करा दूं, यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका एक होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना होता है? खाली वन, यानी मैग्नीट्यूड बेकार है, तो आप लिखते ही नहीं हो, तो मैग्नीट्यूड तो यूजलेस है, मैग्नीट्यूड के हवाले से बेकार है। इट ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ये आपको खाली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना होता है। अगर किसी भी नंबर के साथ 49 के साथ आई लिखा देखा आपने, तो आप कहोगे ये 49 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और आई एक यूनिट वेक्टर होता है, किस डायमेंशन का? एक्स का। तो आप समझ जाओगे कि ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस पे पाया जा रहा है। इसी तरह 49 के साथ जे लिखा देखा आपने, तो आप कहोगे कि 49 मैग्नीट्यूड है, जे वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है वाई डायमेंशन का, तो आप कहोगे कि ये वाला वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस पे पाया जा रहा है। इसी तरह 49 के साथ अगर आपने k लिखा देखा, तो 49 आप कहोगे मैग्नीट्यूड है, और k जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है z डायमेंशन का, तो आप कहोगे कि ये z एक्सिस पर मौजूद है। बाकी इसके अलावा अगर आपके पास 49 के साथ अगर ऐसा वेक्टर है जो ना x एक्सिस पे, ना y एक्सिस पे, ना z एक्सिस पे, तो वो एक एंगल बना रहा होता है फिर, यानी अगर इन जगहों पर है, इन जगहों पर है, इन जगहों पर है, तो फिर वो एंगल बना रहा होता है। वहां फिर हम डायरेक्शन को थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, 40 डिग्री, 5 डिग्री वगैरह। तो ये यूनिट वेक्टर है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ काफी डिटेल में। तो हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर होते हैं, आई जे के। आई होता है एक्स एक्सिस का, जे होता है वाई एक्सिस का, के होता है जेड एक्सिस, इनका मैग्नीट्यूड खाली होता है वन। मैग्नीट्यूड के तबार से ये यूजलेस होते हैं, मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत पड़े तो आप वन ले लें। ठीक है, डायरेक्शन होती है, आई की डायरेक्शन क्या है? एक्स। जे की डायरेक्शन क्या है? वाई। और के की डायरेक्शन क्या होती है? जेड। अब अगर आप यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट निकालो, दैट इज सम इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। मैं ये मिटा रहा हूँ, वर्बली जहन में रखिएगा बस अभी बात। तो अगर हम यूनिट वेक्टर्स की डायमेंशन, यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो अगर हम सेम सेम यूनिट वेक्टर्स के लगाएं जी आई डॉट आई, अगर आप सेम सेम यूनिट वेक्टर के निकालो जरा डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई, तो ये दो वेक्टर्स हो गए जी, ये भी दो वेक्टर है ना, डायरेक्शन होती है इनकी, मैग्नीट्यूड वन होता है, डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, याद है ये वेक्टर है। तो दो यूनिट वेक्टर ले लिए मैंने आई, और इनका मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं, तो फॉर्मूला क्या होगा? आई आई डॉट आई कॉस थीटा, यही होगा ना फॉर्मूला। ए बी की जगह मैंने दोनों वेक्टर डाल दिए, आई आई दोनों का मैग्नीट्यूड। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है? आई का मैग्नीट्यूड होता है वन, इस वाले आई का भी मैग्नीट्यूड होता है वन। ठीक है, कॉस, अच्छा जी आई ये एक्स एक्सिस है, पहला आई भी आपको यही मिलेगा एक्स एक्सिस पे, दूसरा आई भी आपको यही मिलेगा एक्स एक्सिस पे, यानी दोनों पैरेलल हो गई, इनके दरमियान थीटा कितना हो गया? जीरो। सेम डायरेक्शन में होती है, आई किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस। दूसरा आई किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस। सेम डायरेक्शन, थीटा जीरो, तो ये जीरो। और कॉस जीरो आप जानते हैं वन होता है, तो वन मल्टीप्लाई बाय वन, और ये कॉस जीरो कितना होता है? वन। तो इट इज इक्वल टू वन। तो आई डॉट आई का रिजल्ट क्या आ रहा है? वन। सिमिलरली जे डॉट जे का भी वन आएगा, के डॉट के का भी वन आएगा, क्योंकि के डॉट, मिसाल है के डॉट के निकालू, अगर के डॉट के निकालू तो क्या हो जाएगा जी? के के कॉस थीटा, के का मैग्नीट्यूड कितना होता है? वन। यूनिट वेक्टर है, वन होता है मैग्नीट्यूड। दूसरे के का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? वन। कॉस थीटा कितना होगा जी? के आपके पास होता है जेड एक्सिस पे, ये जेड एक्सिस है, यहाँ होता है के, दूसरा के भी यहीं पाया जाता है, सेम डायरेक्शन में, पैरेलल है, पैरेलल है, एंगल हो गया जीरो।
तो cos 0 कितना होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम समराइज करें इस बात को, अगर मैं इस बात को समराइज करूं तो मैं सीधा सा ये कहूंगा कि अगर मैं सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालूं, सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालूं, इट इज इक्वल टू 1। तो i डॉट i ये बराबर होगा j डॉट j, ये बराबर होगा k डॉट k, एंड दिस ऑल आर इक्वल टू 1, 1 के बराबर होता है। तो i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, इट इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर मैं अलग के निकालूं, i को j के साथ, j को k के साथ, k को i के साथ, इस तरह अलग करके निकालूं, तो एक दो एक निकाल के दिखा देता हूं। पहले हम i डॉट j का निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, i j cos थीटा, i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1, cos, अब इनके दरमियान एंगल देखते हैं, x y z, ये x, ये y, ये z, i यहां पर, j यहां पर, k यहां पर, तीनों के दरमियान 90 का एंगल होता है। मैंने तो अभी बताया आपको i और j के दरमियान कितना एंगल है 90, j और k के दरमियान कितना एंगल है 90, i और k के दरमियान कितना एंगल है 90, यानी इन तीनों यूनिट वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता है 90 डिग्री का, और cos 90 आप निकालो विच इज इक्वल टू 0, ऊपर बताया परपेंडिकुलर, मैंने बताया कि अगर दो वेक्टर्स में परपेंडिकुलर होंगे नल हो जाता है उनका डॉट प्रोडक्ट, बताया ना आपको ये लिखा था मैंने, हाँ ये अगर ये a और b दो वेक्टर अगर आपके परपेंडिकुलर है एंगल 90 डिग्री का होगा नल होगा उनका जी डॉट प्रोडक्ट, यहाँ यही मामला हो रहा है अगर आप अलग अलग यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट निकालो, cos जो है वो 90 हो जाएगा, cos 90 0 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, 0 से मल्टीप्लाई करो 0। तो अगर आप सेम सेम यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो वो पैरेलल होती हैं, लिहाजा उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, और अगर आप अपोजिट अलग अलग यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, यानी आई जे के साथ, जे को के के साथ, या के को आई के साथ, अलग अलग ले लें आप, and that will be equal, इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो फिर किसके बराबर हो जाएगा 0, 0 के बराबर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये हमें जो है वो फॉर न्यूमेरिकल्स के अंदर सॉल्व करने में हमें काम आएगा ये बात, i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k व्हिच इज इक्वल टू 1, जबकि i j, j k और k i ये सब 0 के बराबर होता है। उसके बाद लेट मी सी द टाइम, कितना टाइम रह गया अभी, तो यहाँ 3 मिनट शो हो रहा है। अब हम जरा वो आपको याद होगा एक न्यूमेरिकल हमने किया था फोर्स और वर्क वाला, फोर्स और वर्क का था जी, फोर्स हमारे पास थी 40, मिसाल के तौर पे 4i प्लस 3j माइनस 3k, और डिस्टेंस हमें दिया हुआ था जी 6 5i, मिसाल है जी माइनस 3j प्लस 4k, इनको हमने डॉट प्रोडक्ट के जरिए सॉल्व किया था, याद होगा आपको ये, और मैंने आपसे कहा था फोर्स लिखो 4i प्लस 3j माइनस 3k डॉट, r लिखो आप 5i माइनस 3j प्लस 4k, फिर मैंने आपसे कहा था i को i से मल्टीप्लाई करो यूनिट वेक्टर खा जाओ, यानी i का मैग्नीट्यूड 4 और 5 मल्टीप्लाई हो गया यूनिट वेक्टर का, आया 4 मल्टीप्लाई, ये i और i वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हमने खत्म कर दिए, फिर प्लस साइन, फिर ये 3 और माइनस 3। अब इसकी कहानी को समझेंगे हम कि ये ऐसा क्यों किया था मैंने, ये 3 प्लस 4 या बीच में प्लस का साइन, ये यूनिट वेक्टर कहाँ गए, और ये 4i खाली इससे क्यों मल्टीप्लाई हुआ, इससे और इससे क्यों मल्टीप्लाई नहीं हुआ, इसी तरह 3j खाली j से क्यों मल्टीप्लाई हुआ, इनसे क्यों नहीं मल्टीप्लाई हुआ, इसकी कहानी है। लेकिन ये हम आज की क्लास में नहीं समझ सकते क्योंकि 2 मिनट रह गए और हमारी जो मामला है वो ये वाला मामला अनइंटरप्टेड चलना चाहिए तो बेहतर है, तो ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास में देखेंगे, कल तो नहीं सर क्लास, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और ये हमारा भी डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम स्केलर प्रोडक्ट की तरफ आएंगे। कोई सवाल है आपको तो माइक खोलें और पूछ सकते हैं जी, माइक खोल के पूछ लिएगा सर, इसके अंदर यही मतलब नो मेडिकल के अंदर ये सब चीजें होंगी, मतलब ये जब हम फॉर्मूला करवाएं आई को मल्टीप्लाई जे से करेंगे, जे को जे से करेंगे, मतलब इसी तरह के न्यूमेरिकल होंगे ना। हाँ, जैसे वो फोर्स वाला किया था ना, अब इसके न्यूमेरिकल जहाँ पे न्यूमेरिकल वाली बातें आना शुरू होंगी ना, मैं पॉइंट आउट कर दूंगा, ये जरा ध्यान में रख लेगा, ये तो इजी बात है ना, आई आई जे जे के के 1 आई और बाकी। बाकी सर आपने वैसी जो जो बाकी जो चीजें बताई है इसकी स्केल अप, इसके उसके बेटर, इसको ज़हन में रखने, यानी कि ये नॉलेज के तौर पे ज्यादा हुए हैं या ये
असल में स्केलर प्रोडक्ट का सवाल आता है, तो बाद होगा उसमें आ जाता है करैक्टरिस्टिक्स, करैक्टरिस्टिक्स अच्छा अच्छा मान लिखनी पड़ती है, तो ये याद भी करनी पड़ती है। सही 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 सही, वैसे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी होगी ये वाली बात, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली बात जरूरी है। और जो किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकालोगे वो जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वो है जी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। क्या हमारे पास दो वेक्टर है आई जे के की फॉर्म में, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा, उसकी एक वेरिफिकेशन वाला सवाल बनता है वो भी आता है, और न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसके वो आते हैं, तो न्यूमेरिकल वो वाले इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसको देखेंगे अभी। ठीक है, और कोई सवाल है फातिमा बेटा, कोई सवाल है तो पूछें। नहीं सर। फातिमा बेटा आपको कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। नहीं। चले हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, दो चार मिनट बाद बायो की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को जरा दोबारा देख लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको, ये तो मैंने बता दिया ना डॉट प्रोडक्ट हो गया, अब मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि अगर आपके पास वेक्टर है जी, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है आई जे के की फॉर्म में, तो वो हम कैसे निकालते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।